आज फिर से 2 दिन के बाद हम लोग निकल रहे हैं भुवनेश्वर के लिए, क्योंकि मेरे को 2-3 काम भी है और टाटा का जो एरिया हेड है उनके साथ कुछ मीटिंगें चली, निकलते हैं। हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ, सबको वेलकम टू माय चैनल। आप लोग आज का ब्लॉग पूरा लास्ट तक देखें ताकि आप लोग एंजॉय कर पाएँ और मज़े ले पाएँ। मैं जब भी भुवनेश्वर जाता हूँ तो आप लोगों को पता है हर वक्त मैं नारियल पानी पी के जाता हूँ, क्योंकि दिन भर काम करना रहता है, हर जगह घूमना रहता है, तो अगर नारियल पानी पेट में चला जाएगा तो बहुत कुछ बेनिफिट कर सकता है। तो उसकी वजह से हम लोग ये जो दुकान देख रहे हैं आप, यहाँ पे ज़्यादातर रुकते हैं और नारियल पानी पीते हैं। तो चलिए, इनको मैं ऑर्डर दे दिया नारियल पानी, अभी लेके आएंगे। आओ दीटा, दे दे छोटे दे से। फिर नारियल पानी पीने के बाद उसका जो मलाई रहता है उसको खाने में मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए हर वक्त मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा मलाई हो नारियल पानी में, बहुत मज़ा आता है। देखो कितना बढ़िया मलाई आ गया। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ, मुझे ऑलरेडी बोतल दे कोड़े टाइम। देखो नॉनवेज खाने वाला का इतना प्रॉब्लम रहता है, इतना कंफ्यूज रहते हैं ये लोग। अभी मेरे को ये बोल रहा है कि मेरे को मटन खाने का भी मन कर रहा है और बिरयानी खाने को भी मन कर रहा है। अभी ये क्या खाएगा, दोनों खाने से फूड कंटामिनेशन होके प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन इसका तो क्या क्या करेंगे बताओ, अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे। मैं बोला कि चलो गाड़ी में जाते वक्त फाइनल करो, भुवनेश्वर जब तक नहीं पहुँचते तब तक रेडी हो जाएगा क्या खाया करेंगे, तो उसी हिसाब से लंच में प्लान करेंगे। और हम तो वेज वाले हैं, जो मिलेगा खा लेंगे और जैसे मिलेगा खा लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको भी इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, वेज खाने से उतना प्रॉब्लम भी नहीं होता जितना इनको नॉनवेज अगर ख़राब पड़ेगा कहीं पर ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसको बोला डिसाइड करो भुवनेश्वर पहुँचने से ही। जब भी हम लोग भुवनेश्वर जाते हैं तब यहाँ पे हम लोग दही बड़ा पक्का खाते हैं और खाना भी चाहिए, क्योंकि इनका टेस्ट बहुत बढ़िया है, एक बार मैं दिखा था आपका। हम तीनटा कर दियो हम नहीं, जब भी हम लोग कटक या भुवनेश्वर जाते हैं तो यहाँ का जो दही बड़ा है हमारा माइंड में चलता रहता है उसी वक्त। तो बाहर नहीं यार, इनका टेस्ट भी बहुत बढ़िया है और मैं तो हर टाइम हंग्री रहता हूँ, मैं तो भूखा हर वक्त रहता हूँ। मेरे को अगर खाने पे आप देते रहेंगे तो मैं खाता रहूँगा, लेकिन खाना थोड़ा टेस्ट होना चाहिए। खाली ब्याग टाइम पड़े चलो ठीक। अभी हमारा लैपटॉप का काम कंप्लीट नहीं हुआ था, थोड़ा सा और बाकी है उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह डालना। तो जो टेक्नीशियन है उन्होंने बोला था कि एक बार लेके आ जाओ, तो हम लोग भुवनेश्वर आए हैं तो उनको देख के चला जाएंगे ताकि वो इसका जो थोड़ा सा काम बचा है कम्प्लीट कर पाए। चलिए मैं उनका घर पर देखे जाता हूँ, तो आके फिर करो। हम लोग अभी भुवनेश्वर में हैं और हम लोग हैं अभी लोकल कैफे में और बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे आके। मैं पिछले बार जब भुवनेश्वर आया था तो बहुत बढ़िया खाना यहाँ पे था, बहुत बढ़िया एम्बियंस भी है, मेरे को पसंद आया। तो मैंने उसी टेबल पे बैठा है जो टेबल पे मैंने पिछले बार ही बैठा था, और मैं तो हंग्री हूँ हर वक्त बताता हूँ आपको। तो अभी मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, तो अभी पिज़्ज़ा आने वाला है, खाएँगे एक बार फिर आपको दिखाएँगे। तो आप लोग लास्ट तक आ जाए, हमारे भुवनेश्वर का ब्लॉग को लास्ट तक देखें। बहुत
मेरे को खाने का मिल जाए तो मैं कुछ सोचता नहीं हूँ, खाता रहता हूँ। तो अभी जस्ट मैंने जो टाटा का उड़ीसा का हेड है उनसे बात किया और उन्होंने मेरे को टाटा का पेन और कुछ कैलेंडर दिए हुए थे और एक डायरी भी दी। तो अभी मैं कार रख के एक फ्रेंड का घर से यहाँ पे आया हुआ था तो स्कूटी में, चलिए स्कूटी लेते हैं और निकल जाते हैं। ये वाला स्कूटी है और फिर कहीं अगर घूमना रहा तो थोड़ा बहुत भुवनेश्वर आएंगे तो थोड़ा घूमेंगे फिर वापस घर चला जाएंगे। चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं और जाते हैं। मनु बाय बाय कर दे। नहीं बाय। बिनु जल्दी वो पानी पोला था ऊपर। चलो रिकी बाय। चल चल। तो मैं जीवन भी जाऊँ। बरसा लें। चलो बाय। बाय। हम लोग अभी पहुंच गए हैं राम मंदिर जो कि भुवनेश्वर में, और इसका यहाँ पे पूरा डायग्राम हुआ है, मतलब पूरा प्लान हुआ है मैप का। और ये रहा, हाँ तो ठीक करता है, तो ठीक करता। वाह ब्यूटीफुल, कितना बढ़िया लग रहा है भुवनेश्वर का राम मंदिर। और सामने लिखा है श्री राम मंदिर, कौन सा वाला? हाँ ये आम का पेड़ बहुत बढ़िया है। हाँ मम्मा ठीक है, हाय कह दे। हाय कहीं मम्मा गोपा खेलुची आ। सो करेंटली वी आर इन राम मंदिर भुवनेश्वर। शाम को यहाँ पे राम मंदिर में बहुत भीड़ लगा रहता है, मैं तो पहली बार आया हुआ हूँ यहाँ पे, कभी नहीं आया हूँ भुवनेश्वर राम मंदिर। तो हम लोग इस रास्ते पे जा रहे थे तो मेरे को मौका मिला यहाँ पे आने का, जगन्नाथ जी को देखने का, राम जी को, है ना, एक बार घूम के जाने का। तो एक बार कभी आप लोग आते हैं भुवनेश्वर तो राम मंदिर आइए, घूम के जाइए।
पड़े यहाँ पे गाड़ी पार्किंग का बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया गया है। देख सकते हैं आप लोग रोड के साइड में, जो कि 20 रुपया लेते हैं गाड़ी पार्किंग का, लेकिन बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है भुवनेश्वर में। और हमारा गाड़ी जो है वहाँ पे है, तो क्लाइमेट इतना बढ़िया हो गया है कि कड़े मंदिर आते लगी जी जी हाँ खराब वर्षा खाई परिवे वाटर पंप नहीं कहीं बाहर जो गुड़ा लगू सब ये वर्षा खाइब देखिए गुड़ा सब तैयार है वर्षा में ना जीवो कि नहीं हाँ ठीक है राइट राइट कर दियंतु कॉर्नर बुले दियंतु हाँ राइट राइट बस